नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग भारत में एक बार फिर चर्चा में है। अडानी समूह पर पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट की वजह से भारतीय राजनीति और शेयर बाजार में भूचाल लाने वाले शॉर्ट सेलर कंपनी के निशाने पर इस बार बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच हिस्सेदार हैं। हालांकि बुच दंपत्ति ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आई थी। विसिल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में हिस्सेदारी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोप को खारिज कर दिया था। तो आज चर्चा इसी पे करेंगे और आपको बता दें कि हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रंजीत जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। एक एक करके और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। रंजीत जी, जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर अब आप लोगों की मांग है कि जेपीसी से जांच कराई जाए, क्यों सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भरोसा हिंडनबर्ग पे? देखिए, आपसे हिंडनबर्ग के ये साफ कहा गया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच का किस तरह से ऑफशोर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रहा, और उन्होंने ये कहा कि यह एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और जिनके ऊपर जिम्मेवारी जांच करने की है अगर उन्हीं की संलिप्तता किसी भी रूप में पाई जाती है तो ये चिंता का विषय है। तो उस रूप में कांग्रेस पार्टी और कुछ तो नहीं कह रही है कि निष्पक्ष जांच करवाई है, तो सरकार आखिर निष्पक्ष जांच से क्यों भाग रही है? यही संदेह पैदा करता है कि क्या किन्हीं को बचाने की नियत ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जो कि उन्होंने साफ साफ ये कहा कि लगभग 10 मिलियन डॉलर का उसमें इन्वेस्टमेंट उनका पहले से है, वैसी कंपनियों में जो विनोद अडानी से जुड़ा हुआ है, जो और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से 3-4 कंपनियों के भी नाम आए, चाहे बरमूडा मॉरिशस का जो माध्यम है उसके माध्यम से बात हो, ब्लैक स्टोन की बात हो या सिंगापुर बेस्ड कंपनी की बात हो। तो अगर इस तरह के संदेह की बात आ रही है वैसी संस्था पर जिन पर इनकी जांच करने की जिम्मेवारी थी, तो मुझे लगता है कि इस पर जेपीसी की मांग बिल्कुल जायज है विपक्ष की, और सरकार को इस पर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से रंजीत जी। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ कहा है बीजेपी की तरफ से, वो सुनवाते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह का बयान आया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा का बयान सामने आया है, पहले वो सुनवाते हैं फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम देश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन एनपीएस, उसका पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है, एलआईसी का पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है,
और अगर वहां ये घपला और घोटाला हो रहा है तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है, ये सरल भाषा में हमें समझना चाहिए। भारत की जांच एजेंसियों में से का जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा सात समंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है, और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप ये को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी, और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी, जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी, कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट, ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो यह और साफ हो गया कि इसका मतलब यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था, हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए, ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। तो चलिए इसी पे आगे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ विजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विजय जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। विजय जी अब देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि जांच करवा लेने में क्या दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लग रहा है तो जांच करवा लीजिए। अभिषेक जी देखिए मैं बता देता हूं आपको और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जब ये 2023 में इस तरह के हिंडनबर्ग में आरोप लगाए थे तो उस टाइम जांच अपना सुप्रीम कोर्ट से कराई गई थी और 24 मामलों में जांच हुई जिसमें से 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और 2 मामलों में जांच जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको क्लीन चिट दे दी, उनके निर्देश में के द्वारा ये सारा सब कुछ हुआ, तो ये कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में बिलीव करती है या नहीं करती है, इनका भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि नहीं है। दूसरी बात रही हिंडनबर्ग का काम क्या है, आपने खुद बता दिया कि वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो पहले गिराते हैं मार्केट में, फिर खुद खरीदते हैं और भेज देते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो आप मुझे बताइए ऐसे आदमी और जिसका मालिक है कौन, हिंडन कौन है, अमेरिकन और चाइनीज? तो आप मुझे बताइए ऐसे समय में जहां बांग्लादेश में इतनी बड़ी अस्थिरता हो, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हो, तो इससे वहां आपने देखा होगा किस तरह से मीडिया चैनलों में भी खुलेआम नाम आ रहा है, किसका आ रहा है, अमेरिका और चाइना का, कि भी उनका हाथ है। तो ये ध्यान भटकाने का भी एक तरीका है पूरी तरह से। दूसरा, इन्होंने लगाया सेबी चेयरमैन पर्सन के ऊपर आरोप, उन्होंने बाकायदा कह दिया अपने बयान में कि भाई मेरी तो खुली किताब है, और वो जो ये कहते हैं कि इन्होंने पैसे लगाए थे वो तो जब वहां सिंगापुर में रहते थे तब के लगे हुए हैं और सेबी चेयरपर्सन बनने के 2 साल पहले की बातें हैं। तो आप उनको क्या कौन सा दिमाग में ऐसा रहता है कि 2 साल बाद ये होने जा रहा है? तो एक आदमी कहीं भी स्वतंत्र होता है कुछ भी करने के लिए। दूसरा मैं बताता हूं कि हिंडनबर्ग ने जो पिछली बार आरोप लगाए थे उस आरोप के आधार पर अब अपना जो अडानी है, अडानी समूह ने एक रिप्लाई भेजा था, 18 महीने हो गए आज तक हिंडनबर्ग का कोई जवाब नहीं आया, कहां है भाई वो जवाब? तो आप देश को अस्थिर करने का काम करते हो, जो बाहरी शक्तियां देश को, हमारे जो आर्थिक तंत्र है उसको कमजोर करने का काम प्रयास में लगी हुई है, तो आप उनका साथ देके क्या करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो? आप मुझे बताइए कि ये तथ्यहीन जो बातें आप कर रहे हो, जब वो खुद मानते हैं कि हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं,
तो भाई आप हमें ट्रैप में फंसने की क्या जरूरत है, और आज से नहीं भारत के खिलाफ तो हमेशा साजिश होती रही है। तो आप अपना कंस्ट्रक्टिव जो है विपक्ष का अपनाइए कि आपको देश की जनता ने 99 सीट देकर विपक्ष में बैठाने का काम किया है, तो आप विपक्ष। अब रणजीत जी देखिए, इसमें सवाल यह है कि एक रिपोर्ट लगभग 17-18 महीने पहले आई थी, उस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और जांच में क्लियरेंस मिला, क्लीन चिट मिला अडानी ग्रुप को। हिंडनबर्ग को एक नोटिस जारी किया गया सेबी की तरफ से, उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया है हिंडनबर्ग ने। अब एक बार फिर से, क्योंकि जवाब मांगा गया था हिंडनबर्ग से, हिंडनबर्ग ने अब उसी सेबी को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो अब एक चीज आप बताइए, देश के सुप्रीम कोर्ट पे हम ज्यादा भरोसा करें या उस हिंडनबर्ग पे जिसका एक अपना हिडन एजेंडा भी है? अभिषेक जी, सेबी के रिपोर्ट में कभी भी ये नहीं कहा गया कि गड़बड़ी नहीं हुई है। सेबी के रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन उसका जो एंड पॉइंट है वो नहीं पता चल रहा है। और अगर मान लीजिए जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि यदि उसका एंड पॉइंट सेबी चेयरपर्सन ही हो तो फिर जांच कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात अभिषेक जी, कि हिंडनबर्ग भी क्या कह रहा है कि उन्होंने सेबी ने अपने जिम्मेवारी की उपेक्षा की है। क्यों? क्योंकि ये निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करने के लिए प्रयास करती हुई दिख रही है। और उन्होंने एक आरोप लगाया जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि सेबी पर्दे के पीछे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने का दबाव डाला, रिपोर्ट भी कहता है। मेरा ये कहना है कि जब पूरी तरह से हर आरोप सेबी चीफ की तरफ ये जाता है, जिन पर ये दायित्व है कि वह इस तरह के काले कारनामों का पर्दाफाश करे, तो फिर उनकी जांच तो होनी चाहिए। उनकी निष्पक्ष जांच करवाने से भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता क्यों भागते हुए दिखाई दे रहे हैं? दूसरी बात अभिषेक जी, कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तभी से विवाद है, आपको ध्यान होगा कि ये कोई आईएएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर नहीं है, कोई रेवेन्यू सर्विस के एक्सपर्ट नहीं है। ये प्राइवेट लोगों को लाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, और उस समय भी ये सवाल खड़े हुए थे कि क्या इस देश में बाकी लोग नहीं है, खास करके जो अभी तक ट्रेंड रहा था कि रेवेन्यू सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर बनते थे, तो वो क्यों नहीं बनाया गया? तो अब वो कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही है। नहीं, इसमें क्या करिए, एक चीज आप बताइए, इन्वेस्टमेंट जो आरोप लगाए गए, इन्वेस्टमेंट कब हुआ था? 2015 और 17 का ये मामला है। उस समय इनका सेबी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। जब ये सेबी में आई उससे पहले वहां से पैसे निकाल लिए गए थे, और तभी इंडिया में भी नहीं रहे, इंडिया में भी सिंगापुर में। 2017 से मार्च 2022 तक वो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी, और ये जो उन्होंने ट्रांसफर किया है ये किया है 16 मार्च 2022 को, जब उनको सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पति के नाम से सारे शेयर्स ट्रांसफर किए। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका बिजनेस वो सही है गलत है, वो जांच का विषय है। कांग्रेस पार्टी तो केवल ये कह रही है ना कि भाई ऐसा क्या है कि अडानी का नाम जुड़ते ही आप जांच से भागने लगते हैं। इसमें तो विनोद अडानी सीधे तौर पर, जो गौतम अडानी के भाई हैं, उनके चेयरपर्सन है, और उस कंपनी में, उन ऑफशोर कंपनी में इन लोगों ने निवेश किया है। इससे पहले अभिषेक जी, एक बड़ा सवाल देश में उठा रहा कि वो जो 20,000 करोड़ की संपत्ति है जो अडानी के ऑफशोर कंपनीज में लगी है, वो पैसा किसका है? ये भी तो सवाल उठता रहा ना। तो क्यों नहीं इस पे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, और जिनके भी ऑफशोर फंड में पैसे लगे हुए हैं, ये तो एक एंटिटी है ना जिसमें, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका कुछ नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका कुछ नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसमें भी जांच पूरी नहीं हुई। अभी विजय जी भी आपको बता रहे थे, दो मामले में चल रही है, उसके का इंतजार कीजिए फिर। 22 मामलों में जांच हो चुकी है। और दूसरी बात अभिषेक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सेबी ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में,
उसमें भी उन्होंने मैं तो ये पूछ रहा हूं सर कि ये कोई कैग की रिपोर्ट तो है नहीं। उन्होंने कहा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है ये कोई कैग की रिपोर्ट थोड़ी ही है, हम उस पर क्यों भरोसा करें? उसका अपना हिडन एजेंडा है, उसे खुद की कमाई करनी है। हाँ, कैग की रिपोर्ट होती है और कैग की रिपोर्ट में ये बात सामने आती, बिल्कुल जांच होना चाहिए था, बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए थी। अभिषेक जी, भारत माला प्रोजेक्ट पे कैग ने रिपोर्ट दिया, आप लोगों ने भी चलाया था कि रातों रात वहां के सारे ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया गया अलग अलग विभागों में, तो कैग की रिपोर्ट को ये सरकार किस तरह से यूज, मतलब अपने कैग भारत की एजेंसी है तो हम उस पर विश्वास करेंगे? हाँ, उस पर वो अलग विषय, उस पर जांच होनी चाहिए, कैग की रिपोर्ट होती इस पर भी होना चाहिए था, लेकिन हिंडनबर्ग का क्या एजेंडा है ये पूरी दुनिया जानती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे अंतर्मन से, विपक्ष होने के नाते आप विरोध कर लेकिन अंतर्मन से आप भी जानते होंगे कि हिंडनबर्ग का क्या एजेंडा है, उसे अपनी कमाई करनी है। अभिषेक जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, इससे पहले भी जब विकिलीक्स का खुलासा हो या उससे पहले भी कई तरह के केसों में आप देखे होंगे विदेशों से कई प्रकार के सबूत मिलते हैं भारत सरकार को, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट करता था वो रिपोर्ट, आज क्यों नहीं करता है? ठीक है विजय जी, बोलिए, अडानी के खिलाफ जांच करनी पड़ेगी। ठीक है विजय जी। जी जी देखिए, रंजीत कुमार जी ने जो बात कही है वो सिरे से खारिज करने वाली बात है, ऐसे समझो जैसे हिंडनबर्ग और ये कांग्रेस पार्टी एक दूसरे की पूरक हो। आप मुझे बताइए, हिंडनबर्ग खुद ऑफिशियली कहती है कि हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो आप वो तो खुद कहते हैं हमारा दामन जो है वो साफ नहीं है, और आप उसको एक ऐसी संस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो कि जैसे उन्होंने कह दिया तो समझो भगवान के यहाँ आदेश आ गया। आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई किसी तरह का भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में 22 मामले जांच खत्म हो चुकी है भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई दाल में काला नजर आता तो फर्दर आगे जांच होती, गिरफ्तारियां होती, मुकदमा दर्ज होता, किसी तरह की और फर्दर कमेटी बनती। तो रंजीत कुमार जी आप बताइए, कोरी राजनीति है, देश को कमजोर करने वाली बात है, आज हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरे बनने की अग्रसर है, तो ये देश विरोधी जो संस्थाएं हैं देश को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है, आप इनका साथ क्यों देते हो, क्यों ऐसी बातें करते हो, हिंडनबर्ग की बातों पर जाते हो? तो आप मुझे बताइए कि अभिषेक जी ने भी बता दिया कि 2015-17 में जो आदमी सिंगापुर में था उन्होंने कोई लेन देन किया, उससे आज का क्या लेने देना है भाई? आप मुझे बताइए किस तरह से हिंडनबर्ग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, उस पर कोई किसी तरह का वो नहीं, और यहाँ अगर कोई किसी तरह का शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, LIC लगाती है, आपको याद है कि आज तक इतिहास में जब से देश आजाद हुआ सबसे ज्यादा मुनाफा LIC, सबसे ज्यादा प्रॉफिट LIC को भी हुआ है, पीछे 30,000 करोड़ के आसपास, ये भी आप याद रखिए। तो आप बात कोई कीजिए, रखिए तथ्य सामने रखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे कि जी हिंडनबर्ग तो ये कह रहा है, कल हिंडनबर्ग कुछ और बोलेगा, तो क्या मजाक बना दोगे देश के सिस्टम को? आप मुझे बताइए, आप तथ्य लाइए भाई, किसी ने किसी के साथ काम किया होगा, एजेंसी भर होगा, जैसा मैंने कहा कैग की रिपोर्ट होती बिल्कुल उस पर जांच होनी चाहिए थी, अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के इतनी माथापच्ची की जाए ये कितना जायज है इसे और समझेंगे। हमारे साथ इस समय मनीष जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी बहुत स्वागत आपका, साथ ही हुडा जरीवाला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। हुडा जरीवाला जी आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। हुडा जी आप ही से समझना चाहेंगे अब कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, एक बम इसने लगभग 16-17 महीने पहले फोड़ा था, वो बम धीरे 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 करके फुस हो गया, अब एक बम फिर से उसने फोड़ा है, अब आप लोग इस बम के साथ खड़े हो गए हैं, मतलब देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं लेकिन हिंडनबर्ग पे बहुत ज्यादा विश्वास, क्यों? मैम शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हुडा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसे दुरुस्त करवाते हैं उसके बाद फिर आपके पास आते हैं, तब तक मनीष गुप्ता जी आपके पास आ रहे हैं। अचानक से कोई ऐसा बम फोड़ता है हिंडनबर्ग, मनीष जी इससे पहले भी एक बम उसने फोड़ा था, एक BBC की डॉक्यूमेंट्री आई थी वो भी एक बम था, सब फुस हो जाते हैं, फिर एक बम आया है, इसे किस तरीके से देखे इस बम को? अभिषेक जी मैं इसमें दो बातें रखना चाहता, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत इंटेलिजेंट बातें कह रहे थे कि है ये है वो है ऐसा हुआ वैसा हुआ, और फाइनल इनका एक लास्ट डायलॉग है JPC की जांच करा लो,
मैं सिर्फ दो बातें छोटी रखूंगा और उसमें चैलेंज के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग क्या करता है, बस ये बता दें एक लाइन में। हिंडनबर्ग क्या करता है बस इतना बता दें, अगली बात तो फिर बता दूंगा, क्योंकि हिंडनबर्ग जो करता है ना उसके बेसिस पर हम समझ जाएंगे। बताइए, बोलिए रंजीत जी, बोलिए। देखिए मनीष जी की जानकारी को पुख्ता करने के लिए बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी है। 2017 में नाथन एंडरसन ने इसकी स्थापना की थी और इसका काम ही है इक्विटी क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करना और किसी भी कंपनी में हो रही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को ये दुनिया के सामने रखती है। तो मनीष जी को इसमें बड़ी समस्या है कि अडानी की कंपनी में हो रही गड़बड़ी को अगर हिंडनबर्ग ने सामने कर दिया तो इन लोगों का पेट में दर्द क्यों है, ये नहीं समझ में बता रही है। अब मैं पूछूं, अब क्या ये अदानी के मामले में इसने जो शॉर्ट सेलिंग की इसके बारे में जाना जाता है कि हिंडनबर्ग अपने बायोडाटा में खुद लिखता है कि हम शॉर्ट सेलर हैं। अब मुझे रंजीत जी बता रहे शॉर्ट सेलर होता क्या है, इतना बता दोगे आज आपको शॉर्ट सेलर क्या होता है? अरे अरे मनीष जी, अरे बताओ ना शॉर्ट सेलर क्या होता है, हिंडनबर्ग क्या करता है? सुनो ये आप देश की जनता को इकोनॉमिक टर्म्स में भटकाने की कोशिश मत करो, बिल्कुल ठीक है ना। राजनीतिक विश्लेषक का काम होता है चीजों को विश्लेषित करके देश की जनता के समक्ष और दर्शकों के समक्ष रखना। रंजीत जी वो ये शुरू करें कि ये क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, वो आप अलग से समझा देंगे। लेकिन यहाँ ये जवाब दीजिए कि जब इस तरह के ऑफशोर कंपनी में सेबी चेयरमैन का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं है, ये समझाइए ना आप तो पूरे दर्शकों को इकोनॉमिक टर्म्स में। अब सुन लिए रंजीत जी, अब सुन लीजिए मनीष जी बोले, मनीष जी बोलिए। हाँ हिंडनबर्ग यानी इस कंपनी के पास किसी कंपनी के शेयर नहीं होते हैं, ये कंपनियों के शेयर उधार मांगती है और ये कहती है जब इस कंपनी के शेयर उतरेंगे तो हम आपके शेयर वापस कर देंगे और ऐसे करके मोटा लाभ कमाते हैं। अदानी के केस और इससे पहले भी 4-5 कंपनियों केस में इन्होंने ब्लैकमेल करके गलत इंफॉर्मेशन दे के उस कंपनी के शेयर नीचे किए और मोटा प्रॉफिट कमाया, हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमाया और वो शेयर उन्होंने वापस कर दिए। वही ये अब करना चाहते हैं, यानी जो ये रिपोर्ट दे रहा है उसका खुद का इंटरेस्ट बेईमानी है पहली बात, तो हमारे हिसाब से हिंडनबर्ग रिलायबल नहीं है। दूसरी बात, सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा, उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो डरते अगर इंडिया आकर रिपोर्ट देकर अरेस्ट ना कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आते हैं उनके मेन क्वेश्चन पे, तो क्या अदानी की किसी कंपनी में चेयरमैन बनने के तक से एक भी समय क्या सेबी चेयरमैन का 1 रुपए का इक्विटी था? नहीं था। 2015 में इनका एक ऑफशोर फंड में जिसके मालिक अदानी नहीं है, जिसमें विनोद भी इन्वेस्ट करता है, ये भी इन्वेस्ट करते हैं और इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? इनका इन्वेस्टमेंट 1.5% से भी कम है। और आपको बता दूं कानूनन कंपनी एक्ट के हिसाब से 2% से अगर कम कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो वो किसी भी कानून में रिलेटेड पार्टी इन्फ्लुएंशियल पार्टी कवर नहीं होता है। 1.5% का इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लेजिटिमेट तरीके से अदानी में आने के कई सालों पहले कमाया लगाया और अपना पैसा उन्होंने बनने से इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, इसमें कोई भी इफेक्ट बट नहीं है। ये जो आरोप है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, ये कहां पे बनता है, इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हुडा जी अब आपके पास आ रहे हैं, आवाज मिल रही है आपको? लगता है हुडा जी से संपर्क टूट गया है।
लेकिन अब मनीष जी थोड़ा सा इसको समझाइएगा क्लियरली कि देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करें या एक हिंडनबर्ग जैसी कंपनी पे भरोसा करें जो खुद मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। नहीं देखिए, अगर वो सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी होती तो कोई बात ना थी। बात ये है कि उसका काम ही है कि इसके शेयर गिरने के बाद किसी से पैसा कमाना। यानी कोई चोर कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़ूंगा और तुम्हारे घर के सामान को चोरी करूंगा, और कांग्रेस कह रही है कि देखो हमारी सेफ्टी कमजोर है। चलो खैर, आते हैं मुद्दे पर, ये कांग्रेस क्यों उठाना चाहती है। दरअसल मुद्दा ये है, कांग्रेस का मुद्दा अदानी नहीं है, क्योंकि अदानी के बारे में कांग्रेस की अप्रोच साफ हो चुकी है। जब उनके अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम अदानी को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि अदानी अंबानी हमें पैसे नहीं देते, अगर हमें पैसे देंगे टारगेट नहीं करेंगे, चुनावों से पहले नहीं। लेकिन ऐसा भी तो है कि राजस्थान में जब सरकार थी पिछली गहलोत सरकार, उस टाइम में रेड कारपेट इसी अडानी के लिए बिछाया गया था। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए हैं, अडानी को दिए हैं। दिक्कत है, मत दीजिए ना, इन्हें मुफ्त का पैसा चाहिए होगा ना, चंदा चाहिए होगा कि भाई 500 करोड़ 1000 करोड़ चंदा दो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जब इनका नाम नहीं आया तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए अडानी अंबानी करते रही है। अब स्थिति यह है कि अब जो इनका टारगेट, अभी तक ये टारगेट करते सरकार को, मोदी को, अब ये देश की संवैधानिक संस्थाएं को टारगेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और एक धनकुवे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई उससे पहले बिल्कुल बांग्लादेश की स्थिति और भारत को डिसेबल करने का इससे बेहतर मौका कुछ और हो नहीं सकता है अमेरिका के पास। इस वजह से ये रिपोर्ट अचानक से आई है। ठीक है मनीष जी, आते हैं फिर आपके पास। अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अश्विनी जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। अश्विनी जी, सियासत से परे हट करके मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग की ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की गई है, उसका आरोप लगाया गया है, इसे कैसे देखें हम? देखिए क्या है कि सबसे बड़ा सवाल जो है, मैं पहले भी सुनता था लोगों को कि हिंडनबर्ग खुद क्या है, क्या कोई वो रिकॉग्नाइज एजेंसी है, मतलब किसी ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है, कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि खुद इस तरह का बिजनेस करती है, वो हमारे देश के बारे में किसी भी चीज के ऊपर, पहले उसने अडानी के शेयर्स के ऊपर एक बार रिपोर्ट दी, शेयर मार्केट गिरी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने सैबी को कहा, सैबी ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, सैबी ने इनसे भी पूछा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो विपक्षी पार्टियां है या अपोजिशन है उनको अपने संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, लेकिन कोई एक फर्जी कंपनी बाहर की कोई रिपोर्ट, अब बताइए कोई चोर अगर कहे पुलिस को कि इसके ऊपर जो है ये दूसरा चोर है, अब समझ सकते हैं। तो सीधा सीधा इस देश की इकोनॉमी को डिरेल करना ही मकसद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अडानी क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह है के नाम से देश के अंदर का प्रयास किया जा रहा। ठीक है, हुडा जरीवाला जी आपको मिल रही है आवाज? हुडा जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अजीत जी अब आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, भारत को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश हमेशा से चाइना और अमेरिका करता आया है, आगे भी करता आएगा। बांग्लादेश में फिलहाल की यह स्थिति और अचानक से हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट, नहीं लगता है कि इस समय एकजुट होने की जरूरत? देखिए अभिषेक जी, जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, पूरा देश एकजुट है, विपक्ष भी सरकार के साथ है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है और ये बार बार स्पष्ट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ का कोई व्यक्ति या कोई संस्था कहीं पर किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाता है तो उसको जो ये लोग ये कहने लगते हैं कि ये भारत के खिलाफ बात होती है, इस पर मुझे घोर आपत्ति है।
अडानी अगर कोई गलती करते हैं और अडानी के खिलाफ सवाल उठाया जाता है तो वो भारत के खिलाफ सवाल उठाया जाना नहीं है, भारत के हजारों इन्वेस्टर्स लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा है और उसके खिलाफ अगर विपक्ष बात करता है तो उसकी जांच करवाने से क्यों भागते हैं ये लोग। मैं ये कह रहा हूं कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 तक भी तो माधवी पुरी बुच वहां पे पूर्णकालिक सदस्य थी सेबी में, क्या उन्होंने इसकी जानकारी दी थी कि उनका $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है इस तरह के ऑफशोर कंपनी में? यदि नहीं दी थी तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार के पास ये जानकारी थी फिर वैसे लोगों को उन्होंने सेबी का चेयरमैन क्यों बनाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं। तब तो अडानी को जो आप लोगों की सरकार ने जो कोल माइंस दिए थे वो भी गलत था, जो आप लोगों ने राजस्थान में जमीन दी थी वो भी गलत था। अभिषेक जी अब इसका जवाब सुन ले फिर हस्तक्षेप कीजिएगा। देखिए ये बार बार कहा जाता है कि किसी उद्योगपति के गलत कार्यों का विरोध करना उद्योगपति समूह का विरोध करना, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो ठीक से बिजनेस करेगा उसे कांग्रेस पार्टी पहले भी संरक्षित करती रही, आगे भी करती रहेगी, उसमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अडानी समूह जो है वो बहुत अच्छे से बिजनेस करती है। अगर मुंबई में वो करती है तो वो गलत तरीके से करती है, यही लॉजिक हुआ ना इसका मतलब? नहीं, अभिषेक जी इसको उस तरह से जनरलाइज मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी केवल किसी भी वित्तीय संस्था का या व्यक्ति के गलत कार्यों पर सवाल उठा रही है, वो ये नहीं कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सीधी सी मांग क्या है अभी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा बनता है तो इसकी जेपीसी से जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है विजय जी बोलिए। से जांच करवाने से भारतीय जनता पार्टी भागती? ठीक है रंजीत जी, विजय जी बोलिए। रंजीत जी एक बार बताइए कौन भाग रहा है जांच से? आप मुझे बताइए इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संवैधानिक संस्था कौन सी है बताइए? और आपको भी समय, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिल्कुल भरोसा होगा, मेरा ऐसा मानना है, और देश के प्रत्येक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। और ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो देश विरोधी है, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि ना तो वहां सरकार का चलन है, वहां कॉलेजियम सिस्टम है, खुद चुन के आते हैं और वो सिर्फ तथ्य के आधार पर कानून के आधार पर बातें करते हैं। तो आप मुझे बताइए छत्तीसगढ़ और आप राजस्थान में वो कंपनी अच्छी हो जाती है अगर आपके यहाँ वो करती है और यहाँ आके आप उसको गाली देने का काम करते हो, भाई मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थूथू, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। या तो वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, अगर बुरी है तो आप अपने राज्यों में क्यों इन्वेस्ट कराते हो, आप उसको बाहर भगाइए, और अगर वो अच्छी है तो फिर आप उसको पर आरोप क्यों लगाते हो? तो दोनों काम में नहीं चलेंगे। दूसरा, आपके पास तथ्य क्या है, आधार क्या है? हिंडनबर्ग, वो हिंडनबर्ग जो ब्लैकमेलर है, जो खुद कहता है मैं ब्लैकमेलर हूं, ब्लैकमेलर ही हुआ ना शॉर्ट सेलिंग, उसके आधार पर आप बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं की, कोई उंगली नहीं उठाई। तो आप जो बातें कर रहे हो जेपीसी, भाई जेपीसी का कोई आधार तो हो ना, आप तो किसी भी आदमी कभी भी आप आधार वो लगाएंगे, आरोप लगाएंगे और जेपीसी की मांग कर लेंगे, तो इससे देश अस्थिर होता है, देश की जो वित्तीय संस्थाएं वो अस्थिर होती हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं पे एक मिनट लगाते उंगली उठाने में, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो। अब आवाज मिल रही है? ठीक है विजय जी आते हैं फिर से। हुड्डा जी आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे आवाज जी। हुड्डा जरीवाला जी, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और आप लोग भारत की जो संस्था है उसको लेकर के आप लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दिया हुआ है, उसके बावजूद आप लोग हिंडनबर्ग जैसी एक ऐसी कंपनी जिसे हम फर्जी कहें, जिसे हम ब्लैकमेलर कहें तो शायद गलत ना होगा, उसके एक रिपोर्ट के आधार पे आप लोग सरकार पे और सेबी पे सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको याद होगा पार्लियामेंट्री सेशन में जब संजय सिंह जी ने बकायदे से एक प्रोटेस्ट स्टेज किया था जिसमें उन्होंने कहा था मोदी अडानी भाई भाई देश देश से खाई मलाई, उसके बेसिस पे 6 महीने उनको जेल से रहना पड़ा। बावजूद उसके जो ये सारी हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो जांच की मांग कर रहे हैं उसका रीजन सिर्फ यही है कि
बेबी की जो चीज थी मधु मैं नाम शायद कर ले रही हूँ लेकिन इसी तरह का उनका नाम है, तो बेसिकली वो उनके हस्बैंड ने सेल कंपनीज में इन्वेस्ट किया था और वो ही उस कमेटी का हिस्सा थी जो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ये अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जिन्होंने सेल कंपनी में अपने हस्बैंड के साथ इन्वेस्ट किया है आप उन्हीं को जो सेबी का है वो चीफ बना रहे हैं, हेड बना रहे हैं। जी इन्वेस्टमेंट कब हुआ था? एक सेकंड मनीष जी एक सेकंड। हुडा जरीवाला जी इन्वेस्टमेंट कब हुआ था? इन्वेस्टमेंट अभी हाल फिलहाल का नहीं है, इन्वेस्टमेंट काफी टाइम से चल रहा है। नहीं अभी जारी है क्या? एक सेकंड मनीष जी, अभी इन्वेस्टमेंट जारी है? इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जारी है लेकिन आप यहाँ पे गलत तथ्य नहीं। अभी इन्वेस्टमेंट कोई जारी नहीं है, पैसे वहां से निकल चुके हैं, काम खत्म हो चुका है और वो तब जब वो सेबी में नहीं थी। मैं उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू होगी, सेबी की जो अपनी। अरे कौन सी? एक सेकेंड हुडा जी पहले मुझे एक चीज बताइए, हिंडनबर्ग ने आरोप क्या लगाया है? हिंडनबर्ग अपने आप में एक ऐसी कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। मैम उसने आरोप क्या लगाया है? कंपनी यूएस बेस्ड है, सबको पता है। आरोप क्या है? ये कुछ नहीं, आरोप ये है सबसे बड़ा कि आप सेबी के चीफ और विनोद अडानी जो अडानी के भाई है ये तमाम लोग सेल कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करते हैं और उस पर फिर कोई जांच होती नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना गलत है क्या? कोई माफी अमाउंट नहीं है, ये देश की जनता के 8,50,000 करोड़ की बात में कर रही हूँ, उस पर कोई जांच होगी। ठीक है, जो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें यही दिक्कत है कि विरोध करना है चूंकि विरोधी है, ये बहुत गलत होता है। लोकतंत्र में ये चीज समझने की जरूरत है। मनीष जी अब एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो हमारी अभी आर्थिक स्थिति है इसमें बहुत पहले हम फॉलोअर हुआ करते थे, आज के डेट में हम लीडर हैं, जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जैसे ESG रेटिंग रेगुलेशन हमने एक साल पहले शुरू कर दिया था, इंग्लैंड अभी 7-8 दिन पहले उसको शुरू कर रहा है। वैसी प्रॉक्सी एडवाइजर को लेकर के रेगुलेशन वो हम बहुत पहले से लेकर के आए, दुनिया में कहीं नहीं है। तो जब हम लीड कर रहे हैं तो हमें पीछे खींचने की एक कोशिश है और खास करके अमेरिका हो ब्रिटेन हो इनकी जलन वो भी है। अभिषेक जी हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जब आपके पास समृद्धि आती है आपके विरोधी कुछ ना कुछ जलते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश की GDP वर्ल्ड की नंबर 3 हो रही है, हम हथियारों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हथियारों में बिजनेस में आगे आ रहे हैं। स्थिति ये इस सबको अमेरिका सहन नहीं कर पा रहा है कि पहले रूस फिर चीन और फिर भारत अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसका नतीजा ये कैसे करके अमेरिका की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस अमेरिका और उसके लोगों के हाथ की कठपुतली बनती है। आज कांग्रेस के ये नहीं पता है करती क्या है, अरे तो डेटा है ना, सारा का सारा है, सिर्फ प्रिंट किया है कांग्रेस उसको उठा सकती है। ये वही कांग्रेस आती है ठीक है, और वो एक लड़की आती है जो पर्यावरण वाली है, जो मियां खलीफा आती है। तो सच्चाई ये है कांग्रेस इस समय टूल किट जाने अनजाने में टूल किट का हिस्सा बन गई है, ठीक है, जो किसी ना किसी तरीके से भारत के समाज में उठाती है। ठीक है अश्विनी राणा जी, हुडा जी वेट, अश्विनी जी काफी देर से चुप है, अश्विनी जी आपके पास आ रहे हैं और समझना यही मैं आपसे चाहूंगा कि एक वक्त में हम शेयर मार्केट में फॉलोअर हुआ करते थे लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं हम लीडर की पोजीशन में जा रहे हैं। हुडा जी वेट, हम कहीं ना कहीं लीडिंग पोजीशन में जा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, उसे डिस्टेबलाइज करने की अमेरिका या चाइना इनकी साजिश के तौर पर हम इसे देख सकते हैं।
जी बिल्कुल ये साजिश है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चैनल पर बैठकर इस प्रकार के लोग जो झूठ फैलाते हैं, बहुत सारी डिबेट में झूठ बोल के चले जाते हैं कि अडानी के सरकार ने इतने लाख करोड़ माफ कर दिए। अरे भाई, अडानी के जो टोटल उसका बैंकों का एक्सपोजर है वो 80,000 करोड़ का है, लेकिन लाखों में उसका माफ कर दिया, इस प्रकार का झूठ। कारण क्या है कि जो यहाँ चैनल पर बैठकर झूठ बोलना जो है वो एक भ्रमित करता है, और ऐसे लोगों के अगेंस्ट मुझे लगता है कि सरकार को भी अडानी को भी जो है वो केस उसके अगेंस्ट फाइल करना चाहिए कि झूठ क्यों फैलाते हो। और उस एजेंसी जो कि एक्सटर्नल एजेंसी है जो यहाँ पर अपना एजेंडा चलाना चाहती है, आप लोग उसके सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हैं। यानी अपने देश की जब पहली बार ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, लाखों करोड़ का नुकसान जो है शेयर होल्डर्स को हुआ था मार्केट क्रैश होने के कारण, उस समय भी हमने कहा कि ये जो दोषी है ये वो लोग हैं जो चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, यही जिम्मेवार है इनके पैसे को डूबने की। यानी आप इंडिविजुअल का पैसा भी डुबो रहे हो, आप जो लोग प्रगति कर रहे हैं, जो इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको भी जो है आप कटघरे में खड़ा कर सकते हो। अच्छा अश्विनी जी, आज तो मार्केट बंद था, कल मार्केट खुलेगा, कल मार्केट कैसी रहेगी, इसका असर दिखेगा? देखिए, मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर जो है वो काम करता है, लेकिन पिछली बार जब दोबारा इसने अटेम्प्ट किया था कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन एक बार जरूर उसमें कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप देखो कि पूरे विश्व में जो संकट आज खड़ा है उसके बाद भी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से चल रही है, शेयर मार्केट वो चल रहा है, लेकिन इस तरह के जो अटेम्प्ट कर करके आप इंडिविजुअल्स का भी नुकसान कर रहे हो, देश का भी कर रहे हो और उद्योगों का भी कर रहे हो। यही समझने की जरूरत है देश की सभी पार्टियों को। हुड्डा जी बोलिए, बोलिए हुड्डा जी। क्यों माने, कौन है हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग को क्यों माने, हिंडनबर्ग को क्यों माने, आप मुझे ये बताइए ना, हिंडनबर्ग को क्यों माने, एक कारण बता दीजिए हिंडनबर्ग को मानने का, वो कैक की रिपोर्ट है क्या, सीएजी की रिपोर्ट होती मान लेते। नहीं, मैं मेरा सवाल ये, हिंडनबर्ग को हम क्यों माने, आप मुझे बता दीजिए हिंडनबर्ग को क्यों माने, आप मुझे बोलने देंगी तो फिर मैं आपके पास पूछूंगी। बताइए बताइए, बताइए ना हिंडनबर्ग को क्यों माने, जो विनोद अडानी के दोस्त थे चैन चौहान और मोहसिन अली शादाब अहली, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिस फंड को इन्वेस्ट किया था उसको ओवर यूटिलाइज हुई थी पावर इक्विपमेंट की, और ये जो फंड है उसके बहुत लार्ज स्टेक किए गए थे अडानी ग्रुप की कंपनी से, जो सेबी के रेगुलेशन से वायलेट करके किया गया था उसको, पहली बात ये, दूसरी बात ये कि सेबी की चीफ बुक है ठीक है, ठीक है, जवाब आप डाल गई रंजीत जी, हिंडनबर्ग को क्यों माने, ठीक है हुड्डा जी, ठीक है, हिंडनबर्ग को रंजीत जी क्यों माने, कौन है हिंडनबर्ग, हम क्यों माने उसे, ठीक है हुड्डा जी, अब वेट, ठीक है हुड्डा जी, ठीक है रंजीत जी, क्यों माने हम हिंडनबर्ग को, कांग्रेस के नेता जमानत पर हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा की बात कर रहे थे, मैं याद दिला दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में सुझाव दिया था और ये कहा था कि 3 सदस्यीय समिति में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो, इन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया। अगर कहां चले, मेरा सवाल क्या था, आप चले कहां गए रंजीत जी, सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है रंजीत जी। मैं हिंडनबर्ग की बात पूछ रहा हूं, हिंडनबर्ग को हम क्यों माने, कौन है हिंडनबर्ग, अभी हाँ देता हूँ ना, हिंडनबर्ग कौन है। अरे भाई, जब हिंडनबर्ग ये तथ्य सामने रखता है कि आप पहले से $10 मिलियन इन्वेस्ट की हुई व्यक्ति है तो सेबी का चेयरमैन आपको क्यों बनाया जाता है, और अगर उसकी जांच की मांग की जाती है तो सरकार उससे भागती क्यों है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट विजय जी करवा दीजिए, जांच क्या दिक्कत है, करवा दीजिए जांच, ठीक है अभिषेक जी,
अभिषेक जी आप मुझे बताइए, रंजीत जी, रंजीत जी ठीक है, विजय जी करवा दीजिए जांच। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जांच हो चुकी, तो कितनी बार जांच कराए, रोजाना कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा खड़ा हो जाएगा, कोई देश विरोधी आदमी आके कुछ भी उंगली खड़ा करेगा, कल को रंजीत कुमार जी को पर आरोप लगाएगा तो यहाँ भारत सरकार जांच में खड़ी रहेगी क्या? कोई तथ्य दीजिए। चलिए बिल्कुल ये बात सही है कि कोई भी आकर कुछ भी बोल दे तो क्या हम उस पर भरोसा करें या हम अपने देश की एजेंसियों पर भरोसा करें। वक्त इतना ही है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।